सुना है गिर गई थी आज तो? हाँ, हल्की सी मोच आई थी, अब ठीक। अब तो खुद को संभालना सीख जाओ, कब तक अम्मी और बाबा के आसरे पे रहोगी? तुम इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त नफरत का इजहार क्यों करती रहती हो? क्योंकि हमेशा अम्मी और बाबा की तवज्जो सिर्फ तुम्हें ही मिली है। जिसमें मेरा क्या कसूर है? वो तो सबके लिए फिक्र करते हैं, सबके लिए परेशान होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ मुझसे ही नाराजगी का इजहार क्यों करती हो? क्योंकि तुम जानबूझ के सबकी तवज्जो अपनी तरफ करती हो। अब यही देख लो, जान के तुम गिर गई और अब सब तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहे। तुम्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम ये सब कुछ जानबूझ के करती हो। उम्मीद, बहुत चालाक हो तुम, इसलिए किया ना तुमने ये सब, ताकि कल बाबा तुम्हें लेके जाएं और मुझे छोड़ के जाएं। क्यों तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं अकेले आना जाना कर सकती हूँ। बस रहने दो, ये भी तुम्हारी कोई साजिश हो अम्मी और बाबा के सामने अच्छा और बहादुर बनने की।